Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शनिवार को यूपी में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर अन्याय और अत्याचार करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में हारेगी। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सत्ता पाने लिए अखिलेश यादव की आत्मा भटक रही है, पर यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश साफ कर दिया है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। अखिलेश यादव का 2024 पर दावा। बता दें कि अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जनता दुखी है, 2024 के लोकसभा में बड़ा बदलाव दिखाई देगा और बीजेपी हारेगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है। कानपुर देहात में बुलडोजर से मां बेटी की जान चली गई है। अखिलेश ने गिनाई सरकार की कमियां। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कानपुर में ही बलवंत सिंह की हत्या पुलिस ने कर दी, उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। बयान के मुताबिक अन्य कार्यक्रम में कानपुर देहात में सपा के दिवंगत नेता सुखदेव पाल की प्रतिमा के अनावरण के लिए संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में अस्थायी डीजीपी नहीं है, इसी वजह से खुलेआम पुलिस अन्याय और भ्रष्टाचार कर रही है। अफसरों को अखिलेश की चेतावनी। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान के रिटायर होने के बाद यूपी सरकार ने 1988 बैच के आईपीएस राजकुमार विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया। उनका सर्विस पीरियड 31 मई 2023 तक ही बचा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब बदलाव होगा तब बीजेपी के भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन होगा। सब रिकॉर्ड में दर्ज है, वक्त बदलेगा तो भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जरूर होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार 2024 से पहले कड़े तेवर अखिलेश यादव दिखाते नजर आ रहे हैं, उसका असर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या पड़ने वाला है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए।